हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के एंड में आपको दो मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम माइक्रो गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये किस तरीके से स्टार्ट होती है, इसको हम देख लेते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोर की। माइक्रोस्पोर जो होता है, माइक्रोस्पोर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। यानी कि ये जो प्रोसेस शुरू हो रही है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की, ये प्रोसेस माइक्रोस्पोर से शुरू होती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। इसके अलावा ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान टोटल आपको दो माइटोसिस देखने को मिलेंगी। एक है पोलन माइटोसिस वन और दूसरी है पोलन माइटोसिस टू। और अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट होगा वो होगा एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे भी। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर कहाँ से आया है, ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से डेवलप हुआ है, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो इससे रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या होता था, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसमें मियोसिस होती थी, जिसकी वजह से चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बनते थे। और वो चारों हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे बाय मींस ऑफ अ कैलोस वॉल, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते थे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो होता क्या है, जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स आगे चलकर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जो कैलोस की वॉल है वो डिग्रेड हो जाती है, और यही माइक्रोस्पोर आगे चलकर पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से जो पोलन की वॉल है उसका फॉर्मेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जब माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में है, यानी कि चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से कैलोस की वॉल से जुड़े हुए हैं, उसी वक्त जो पोलन ग्रेन की वॉल होती है एक्साइन, उसके कंपोनेंट्स और उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पोलन वॉल की सिंथेसिस माइक्रोस्पोर के टेट्राड स्टेज से ही शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पोलन वॉल के बारे में भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो पोलन की वॉल है उसकी सिंथेसिस होती है। तो माइक्रोस्पोर यहाँ पर है टेट्राड स्टेज में, चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको कैलोस की बॉल सराउंड किए हुए हैं। अब होता क्या है, ये जो बॉल का फॉर्मेशन होता है ये दो स्टेजेस में होता है। एक स्टेज तब होती है जब आपका जो माइक्रोस्पोर है वो टेट्राड के फॉर्म में है, और उस केस में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर का साइटोप्लाज्म है वही सारे कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करता है वॉल फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जैसे ही कैलोस की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और माइक्रोस्पोर फ्री हो जाता है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत वॉल लेयर्स बननी होती हैं वो बनती हैं, और उसके साथ साथ बाकी का जो कंट्रीब्यूशन होता है स्पोरोपोलिनिन का, वो यूबिश बॉडीज करती हैं जो कि टेपटम से बनी हुई है, जैसा कि हमने अपने टेपटम वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो इस तरीके से पोलन की वॉल में दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है, माइक्रोस्पोर का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ी बहुत चीजें कंट्रीब्यूट करता है, और उसके साथ साथ टेपटम के द्वारा बनी हुई यूबिश बॉडीज भी यहाँ पर पोलन की वॉल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करती। तो ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है, जब माइक्रोस्पोर अपनी टेट्राड स्टेज में मौजूद है उसी वक्त माइक्रोस्पोर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैलोज वॉल के बीच में एक लेयर डिपॉजिट होने लगती है, जिसे हम कहते हैं प्राइम एक्साइन या फिर प्रिम एक्साइन भी हम इसे कह सकते हैं। ये जो प्राइम एक्साइन है ये माइक्रोस्पोर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैलोस वॉल के बीच में डिपॉजिट हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ पोर्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पर ये प्राइम एक्साइन डिपॉजिट नहीं होती है, और यही पोर्शंस हैं जो कि आगे चलकर पोलन वॉल के केस में आपको जर्म पोर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या, जब ये प्राइम एक्साइन की लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो गई है, पूरी तरीके से नहीं बट कुछ कुछ पोर्शंस पर इसका डिपोजिशन नहीं हुआ है,
इसके साथ साथ जो माइक्रोस्पोर का साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे जो स्पोरोपोलिनिन के प्रिकर्सर्स होते हैं उनकी सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ये जो प्राइम एग्जाइन है इसकी थिकनेस थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर इस प्राइम एग्जाइन की थिकनेस के अकॉर्डिंग इसमें धीरे धीरे करके डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और ये लेयर बन जाती है बैक्यूला के फॉर्म में। अभी हम जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पोलन वॉल के पार्ट्स के बारे में बताएंगे तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो वॉल होती है पोलन की उसमें जो एग्जाइम वाला पोर्शन होता है उसका एक पार्ट होता है बैकुला। ठीक है, तो बैकुला बन गया। बैकुला के बनने के बाद बैकुला का जो लोअर वाला पोर्शन होता है, बैकुला बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पर बेस पर ये प्रिम एग्जाइम से फ्यूज कर फुट लेयर का भी फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि एक पार्ट है पोलन की वॉल का। इसके साथ साथ जो बैकुला है, बैकुला के जो हेड्स होते हैं, हेड्स भी फ्यूज कर एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं टेक्टम। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे टेक्टम, बैकुला, फुट लेयर, ये सब हमारे एक्ट एग्जाइन के पार्ट है, यानी कि जो पोलन की वॉल होती है एग्जाइन उसका एक पार्ट होता है एक्ट एग्जाइन, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर बन चुके होते हैं। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कर और ज्यादा डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और लगभग जो एग्जाइम की वॉल का जो पैटर्न होता है और उसमें जो पोर्स होने होते हैं वो सब ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन की जो वॉल है, एग्जाइम के जो मेन कंपोनेंट्स है वो तभी बन चुके होते हैं जब माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में रहता है। इसके साथ साथ जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से फ्री होता है, क्योंकि टेपटम एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं कैलेज, जिसे हम बीटा 1-3 ग्लूकानेज भी कह सकते हैं, उसकी वजह से कैलोज की वॉल डिजोल्व आउट हो जाती है और माइक्रोस्पोर बाहर आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब माइक्रोस्पोर अपनी टेट्राड स्टेज में रहता है उस वक्त तक ही जो एग्जाइम के मेजर कंपोनेंट्स हैं वो बन चुके होते हैं, ऑलरेडी बन चुके होते हैं। खाली दो चीजें हैं जो नहीं बनी हुई होती हैं, वो है इंडेक्साइम और इंटाइम वाली लेयर। वो लेयर जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से फ्री हो जाता है उसके बाद बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर किस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है माइक्रोस्पोर, ये जो है ये माइक्रोस्पोर है और ये माइक्रोस्पोर अभी अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड से फ्री हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आप बाहरी लेयर देख रहे हो ये एग्जाइम की कुछ लेयर्स हैं, सब लेयर्स हैं, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा फुट लेयर, बैकुली और टेक्टम। इसके साथ साथ जो एग्जाइम की अंदर वाली लेयर होती है वो अभी यहाँ पर नहीं बनी है और इंटाइम अभी यहाँ पर नहीं बनी है। तो ये दो चीजें अभी तक यहाँ पर नहीं बनी है। अब ये जो ये माइक्रोस्पोर है इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसके साइटोप्लाज्म में आपको सेंटर में एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ये किस तरीके से आगे चलकर एक बढ़िया से पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है उसे हम मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म के वैक्यूल्स हैं ये अल्टीमेटली फ्यूज करके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर होता क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मौजूद है ये न्यूक्लियस सेंटर से किनारे की ओर माइग्रेट कर जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और सेंटर में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई देने लगता है। इस स्ट्रक्चर को बहुत सारी बुक्स में पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर भी मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एंड पर वैक्यूल दिखाई दे रहा है और दूसरे एंड पर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जैसे जैसे ये जो प्रोसेसेस हैं ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर जो एग्जाइम की एक लेयर रह गई थी इंडेक्साइम उसका भी फॉर्मेशन हो चुका होता है और इसके साथ साथ जो इंटाइन है उसका फॉर्मेशन भी लगभग लगभग यहाँ पर हो चुका होता है।
अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर फर्स्ट पोलन माइटोसिस करता है, जिसे हम एक तरीके का अनइक्वल डिवीजन कह सकते हैं। यानी कि इस न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद दो न्यूक्लियस बनेंगे और उनका साइज भी अलग अलग होगा। तो इस न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक है छोटा वाला न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा है बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसे हम कह सकते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और माना यह जाता है कि इस माइटोसिस तक जो इंटाइन की लेयर होती है वो पूरी तरीके से बन चुकी होती है। यानी कि ये जो माइटोसिस है और ये जो जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल आगे बनते हैं, उनके बनने से पहले पहले तक इंटाइन की लेयर और एग्जाइन की भी सारी लेयर्स अच्छी तरीके से बन चुकी होती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी वॉल में आपको थिकनेस दिखाई दे रही है। ये जो वॉल की थिकनेस है ये इस वजह से होती है क्योंकि टेपटम जो यूबिश बॉडीज बनाता है, वो यूबिश बॉडीज यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन की कोटिंग करते रहते हैं। तो यूबिश बॉडीज का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि ये एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ एग्जाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा यूबिश बॉडीज का कोई भी रोल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पोलन की वॉल है उसके मेजर कंपोनेंट्स तभी बन चुके होते हैं जब माइक्रोस्पोर अपनी टेट्राड स्टेज में रहता है। सिर्फ इंटाइन और एग्जाइन की कुछ सब लेयर्स होती हैं जो यहाँ पर बनती हैं इस स्टेज के दौरान, लगभग बनती है, क्योंकि कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं है। हर प्लांट्स में थोड़े बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो माना यह जाता है कि जब तक जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बन चुकी होती है, उस स्टेज से पहले पहले तक जो पोलन की वॉल है उसके सारे कंपोनेंट्स बन चुके होते हैं, एग्जाइन भी और इंटाइन भी। अब यहाँ पर आपने देखा कि दो तरीके के न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक वॉल फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आपको दो तरीके के सेल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक सेल है छोटा वाला जिसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, जिसमें आपको जेनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, और दूसरा सेल है बड़ा वाला जिसे हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, जिसमें आपको वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और हमें आपको बताना है कि ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल कैलोज की एक थिन लेयर से सराउंडेड रहता है, और ये कैलोज की लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे चलकर। तो ये क्या करेगी ये भी अभी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि माइक्रोस्पोर में जो डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पोलन ग्रेन का है, और ये आपको यहाँ पर पोलन ग्रेन टू सेल्ड कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एग्जाइन की थिकनेस है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यूबिश बॉडीज जो है वो स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन एग्जाइन पर करती चली जाती है, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एंड में जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है पोलन ग्रेन, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन देन व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। यहाँ पर दो लेयर्स होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एग्जाइन। एग्जाइन के भी कई सब पार्ट्स होते हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो एग्जाइन के सब लेयर्स हैं उनको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाइन होती है, एग्जाइन एक तरीके के सब्सटेंस की बनी हुई होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन, और ये एग्जाइन हार्ड और थिक नेचर की होती है। बट यहाँ पर एग्जाइन वाले रीजन पर कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता है, और ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं जर्म पोर्स। तो ये है एग्जाइन, और एग्जाइन क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की बनी है इसीलिए जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपोनेंट माना जाता है, जिसे किसी भी एंजाइम या किसी भी केमिकल कंपोनेंट के द्वारा डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो एग्जाइन लेयर होती है उसकी एसिटोलिसिस नहीं हो सकती है।
अब हम बात कर लेते हैं अंदर वाली बॉल की, जो की है इनटाइन। इनटाइन की जो ये बॉल है ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है और ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये जो बॉल लेयर है ये कंटिन्यूअस होती है, इस पर आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलता। जबकि जो एक्साइन है, एक्साइन पर आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के होते हैं और इसका एक टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होता है। तो ये है एक्साइन और इनटाइन। इसके अलावा अगर हम थोड़े से डिफरेंसेस की यहाँ पर बात करें एक्साइन और इनटाइन के बारे में, तो जो एक्साइन है ये आउटर मोस्ट थिक हार्ड लेयर होती है, जबकि जो इनटाइन है ये इनर मोस्ट थिन लेयर होती है। जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, जो इनटाइन है ये पैक्टिन या सेलुलोज की बनी हुई होती है। एक्साइन में आपको क्योंकि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है इसलिए ये एसिटोलिसिस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है, जबकि इनटाइन में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एक्साइन में आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, इनटाइन में आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलता। एक्साइन की एक टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो एक्साइन के पैटर्न्स हैं ये आपको अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, जबकि इनटाइन का कोई भी ऐसा टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे एक्साइन और इनटाइन के बीच में। और अब आगे अगर हम बात करें तो ये जो पोलन ग्रेन है इसमें आपको दो सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि अभी यहाँ पर इस माइटोसिस की वजह से बने हैं। एक छोटा वाला सेल जिसे हम जेनरेटिव सेल कहते हैं और एक बड़ा वाला सेल जिसे हम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं। तो जो जेनरेटिव सेल है इसमें आपको जेनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और जो वेजिटेटिव सेल है इसमें आपको वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस देखने को मिलता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन कहते हैं और पोलन ग्रेन की ये टू सेल स्टेज होती है। अब होता क्या है, जब एंथर का डिहिसेंस होता है तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के केस में 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में पोलन ग्रेन इसी टू सेल स्टेज पर शेड होता है। यानी कि एंथर का जब डिहिसेंस होता है, एंथर जब बस्ट होता है, तो पोलन ग्रेन इसी स्टेज के फॉर्म में एंथर से बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स के केस की, तो वहां पर क्या होता है, बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज पर शेड होता है और उस केस में क्या होता है, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें पोलन माइटोसिस सेकेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टोटल पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल देखने को मिलती है, इसीलिए वहां पर उसे हम पोलन ग्रेन की थ्री सेल स्टेज रेफर करते हैं। तो बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में एंथर के डिहिसेंस के बाद पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज पर शेड होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चेंज है जो होता है जब पोलन ग्रेन यहाँ से शेड होने वाला होता है, जब एंथर का डिहिसेंस होता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलने वाला होता है, उससे पहले भी पोलन ग्रेन में यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। जो थ्री मेजर इम्पोर्टेंट चेंजेस पोलन ग्रेन में होते हैं वो यहाँ पर हम बताते हैं। होता क्या है, ये जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर पोलन किट या ट्राइफीन की कोटिंग हो जाती है। अगर ये पोलन ग्रेन इंसेक्ट पोलिनेटेड वाला है, यानी कि इसमें इंसेक्ट इंटमोफिली की कंडीशन देखने को मिली है, तो उस केस में इस पोलन ग्रेन पर पोलन किट या ट्राइफीन की एक कोटिंग यहाँ पर हो जाती है जो कि आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये है कि ये पोलन ग्रेन बहुत सारे स्टार्च को स्टोर करके रख लेता है उस वक्त। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस पोलन ग्रेन का डिहाइड्रेशन हो जाता है, इससे जो वाटर के कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये तीन बेसिक इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो कि पोलन ग्रेन में होते हैं डिहिसेंस से पहले, एंथर के डिहिसेंस से पहले और एंथर से रिलीज होने से पहले पोलन ग्रेन में ये तीन मेजर इम्पोर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो ये जो प्रोसेसेस हैं माइक्रोस्पोर से लेकर पोलन ग्रेन की टू सेल्ड स्टेज तक, ये जो प्रोसेसेस हैं ये आपको पॉलिनेशन से पहले देखने को मिलती हैं एंथर के अंदर। एंथर के अंदर ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रही होती हैं।
और जब एंथर का डिहिसेंस होता है, एंथर के डिहिसेंस के भी कई टाइप्स है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल डिहिसेंस, ट्रांसवर्स डिहिसेंस, पोरस डिहिसेंस या फिर वॉल्वुलर डिहिसेंस। तो जब एंथर का डिहिसेंस होता है, एंथर बर्स्ट होता है, तो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं या तो 2 celled स्टेज में या फिर 3 celled स्टेज में, और उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स दूसरी एजेंसीज के थ्रू, चाहे वो विंड हो चाहे वो इंसेक्ट हो, उसके थ्रू ये फ्लावर के स्टिग्मा वाले रीजन पर पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा भी कई टाइप्स के होते हैं, ड्राई स्टिग्मा और वेट स्टिग्मा। जो वेट स्टिग्मा होता है वो बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रेट करता है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर जाता है तो कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और ये जो स्टिग्मा यहाँ पर होता है, स्टिग्मा कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर का है या नहीं है ये पता चल सकता है, और उस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन उस स्टिग्मा पर होगा या नहीं होगा ये भी इन्हीं इंटरैक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जो स्टिग्मा है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो रिहाइड्रेट हो जाता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। पोलन ग्रेन वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से जो जर्म पोल वाला रीजन होता है, जर्म पोल वाले रीजन से इन टाइम पोलन ट्यूब बनकर बाहर निकलती है। ये जो प्रोसेस है ये अभी हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से होती है। पहले यहाँ पर हम बाकी की जो प्रोसेसेस है उनको देख लेते हैं। ये 2 celled वाला पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा की सरफेस पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल एक थिन कैलोज की लेयर से सराउंडेड होता है। यहाँ पर इस कैलोज वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो कैलोज की वॉल होती है ये डिग्रेड हो जाती है और धीरे धीरे कर ये डिग्रेड होने लगती है। जैसे ही ये डिग्रेड हो जाती है, ये जो जनरेटिव सेल है ये इन टाइम से अपना कॉन्टेक्ट धीरे धीरे कर खत्म करने लगता है। धीरे धीरे कर ये जनरेटिव सेल इन टाइम से सेपरेट होने लगती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो द जनरेटिव सेल इज लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द वॉल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पूरी पूरी जनरेटिव सेल यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी। और ये जो पूरी सेल है ये तो वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल है ही, जैसा कि आप यहाँ से देखते चले आ रहे हो। अब होता क्या है, ये जनरेटिव सेल पूरी तरीके से इन टाइम की वॉल से डिटैच हो जाती है और ये पूरी पूरी जनरेटिव सेल यहाँ पर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, पूरी पूरी जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर आ जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल विद इन सेल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको यहाँ पर जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेल विद इन सेल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ चुकी है। तो हेयर द जनरेटिव सेल इज लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये जनरेटिव सेल जब यहाँ पर वॉल से डिटैच होती है, डिटैच होने के बाद ये जनरेटिव सेल थोड़े से अलग अलग शेप्स में भी देखी जा सकती है। कहीं कहीं पर कुछ प्लांट्स में स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल भी रिपोर्टेड है, अलग अलग शेप्स रिपोर्टेड है अलग अलग प्लांट्स के केस में। अब इसके बाद क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर आता है तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये उसी फ्लावर का है या नहीं है, कंपैटिबल पोलन ग्रेन है या नहीं है। फिर जो स्टिग्मा है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन होता है। पोलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद ये जो इंटाइन वाली लेयर होती है ये पोलन ट्यूब बनकर बाहर आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पोलन ट्यूब है ये इंटाइन की वॉल की वजह से ही बनी हुई है, और सबसे पहले पोलन ट्यूब को रिपोर्ट किया था एमिकी नाम के साइंटिस्ट ने पोर्टुलाका के प्लांट में। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब में यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको सेल में पहले देखने को मिल रहा था ये सारा कंटेंट पोलन ट्यूब की तरफ माइग्रेट कर जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर होती है दूसरी पोलन माइटोसिस, यानी कि
यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल है ये जैसे ही पोलन ट्यूब में इंटर करने वाला होगा उस वक्त इसमें सेकेंड पोलन माइटोसिस हो जाती है और ये दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेती है। और कुछ केसेस में ये जो जनरेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब के अंदर आने के बाद सेकेंड माइटोसिस करती है, कुछ केसेस में ये माना गया है कि ये जनरेटिव सेल जैसे ही इंटर करने वाली होती है पोलन ट्यूब वाले रीजन में उस वक्त ये सेकेंड पोलन माइटोसिस करती है। तो अलग अलग प्लांट्स के केस में अलग अलग चीजें रिपोर्टेड हैं। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ चुका है, इसके अंदर जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस था जो आप यहाँ पर देख सकते थे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या जो ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर था ये न्यूक्लियस भी यहाँ पर पोलन ट्यूब के अंदर आ गया है। और क्योंकि यहाँ पर जनरेटिव सेल ने सेकेंड पोलन माइटोसिस की है और दो मेल गैमेट्स बनाए हैं तो वो दोनों मेल गैमेट्स भी पोलन ट्यूब वाले रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। अब धीरे धीरे करके होता क्या है, ये जो पोलन ट्यूब है ये नीचे की तरफ यानी कि स्टाइल वाले रीजन की तरफ पेनिट्रेट करती है, स्टिग्मा को पेनिट्रेट कर ये पोलन ट्यूब नीचे स्टाइल वाले रीजन की तरफ जाती है और ये नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करती जाती है ऊपर की तरफ कैलोस प्लक्स बनते चले जाते हैं ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो ठीक तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सके। तो आपको पोलन ट्यूब में जगह जगह पर कैलोस प्लक्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका है इसे हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर चुका है। पोलन ग्रेन तब जर्मिनेट करता है जब वो पोलन ट्यूब बनाता है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट कर चुका है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली दो मेल गैमेट्स बन चुके हैं और इस स्ट्रक्चर में आपको दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट के दौरान टोटल दो माइटोसिस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन माइटोसिस वन एंड पोलन माइटोसिस टू। जो पोलन माइटोसिस वन है वो आपने यहाँ पर देखी, यहाँ पर हुई थी जब ये न्यूक्लियस अनइक्वली डिवाइड किया था। और जो दूसरी पोलन माइटोसिस होती है ये प्लांट्स में वेरी करती है, जिस ऐसे प्लांट्स जिनमें की जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज पर शेड करता है उनके केस में सेकेंड पोलन माइटोसिस यहाँ पर होती है जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके केस में पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज पर शेड करता है तो वहां पर जो पोलन माइटोसिस सेकेंड है वो उसी वक्त हो चुकी होती है जब पोलन एंथर के अंदर मौजूद होती है और वहां पर जनरेटिव सेल पोलन माइटोसिस सेकेंड कर दो मेल गैमेट्स बना चुका होता है और पोलन ग्रेन वहां से थ्री सेल्ड स्टेज पर ही शेड होता है। तो ये थोड़े से वेरिएशंस है जो आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के दौरान देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को आज डिस्कस कर लिया है। आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।